हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में जो सारे पीजी के कोर्सेज हैं, उसमें रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन का प्रोसेस लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वोकेशनल कोर्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के चलते सारे एडमिशन्स जो थे वो पेंडिंग है। अभी तक पटना विश्वविद्यालय में सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कम्प्लीट नहीं कराया गया है, जिसके कारण से पीयू के जो सारे वोकेशनल कोर्स है उसमें एडमिशन अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। फाइनली आज के इस वीडियो में जानेंगे कि फाइनली पीयू का जो एंट्रेंस टेस्ट है पीजी के वोकेशनल कोर्सेज में प्लस जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब कंप्लीट होगा। तमाम सारा डेट पेपर के माध्यम से रिलीज्ड किया जा चुका है, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको डेट के बारे में बताता हूँ कि कब किस कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम कब है, और ये सारा अपडेट आपको मिल जाएगा पेपर में। तो चलिए डायरेक्टली चलते हम लोग पेपर के अपडेट पे। सो गाइस, देख सकते हैं ये हमारे पास रहा पेपर। ये पेपर फिलहाल प्रभात खबर का पेपर है, और प्रभात खबर के इस पेपर के अपडेट के बारे में अगर एक एक करके वन बाय वन करके पढ़ूं, तो इसमें क्लियरली बताया जा चुका है कि LLB, LLM, MED प्रवेश को 5 व 6 नवंबर को एंट्रेंस। चलिए क्या कुछ बताया गया, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं डिटेल में क्या कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में यानी पटना यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्सेस में एडमिशन के लिए 5 व 6 नवंबर को एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी 5 और 6 नवंबर को एंट्रेंस टेस्ट है। एंट्रेंस टेस्ट LLB, LLM, MED सहित एक दर्जन से अधिक PG स्तरीय वोकेशनल कोर्स के लिए आयोजित होगा। यानी जो एंट्रेंस टेस्ट होना है वो लगभग एक दर्जन से अधिक, यानी कहने का मतलब कि 12 से 13 कोर्सेस में एंट्रेंस टेस्ट होना है। और जो PG स्तरीय में एंट्रेंस टेस्ट कोर्स के लिए आयोजित होगा, LLB में 200 सीटों के लिए लगभग 2000 से अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया। वहीं LLM में भी काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। MED के लिए 500 से अधिक हैं। PMIR सेफ्टी मैनेजमेंट और रूरल मैनेजमेंट में भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुआ है। इन सभी कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाला एंट्रेंस टेस्ट में 10,000 से अधिक स्टूडेंट शामिल होंगे। यानी कहने का मतलब लगभग जो 12 से प्लस कोर्सेस यानी कहने का मतलब 12 प्लस कोर्सेस के लिए जो आवेदन आया है वो समथिंग आपको 10,000 प्लस आवेदन रिसिप्ट हुआ है। और इस 10,000 के आवेदन के लिए यानी 12 कोर्सेज के लिए कह सकते हैं 12 से अधिक कोर्सेज के लिए जो 10,000 से अधिक कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया है, तो इन सारे कैंडिडेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 5 और 6 नवंबर को होने वाला है। तो बहुत ही जल्द, कहने का मतलब है कि लास्ट टाइम तक आपका यानी छुट्टी से पहले आपका जो एंट्रेंस का जो एडमिट कार्ड है वो आपका जारी होने की उम्मीद है। या अगर आपका ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आपका एडमिट कार्ड है वो लास्ट ऑफ तक अगर रिलीज नहीं होता है, तो फिर आपका इन द स्टार्टिंग टाइम यानी कह सकते हैं 1 से 2 नवंबर के आसपास में आपका एंट्रेंस का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। बट ये क्लियर हो चुका है कि अब आपका एंट्रेंस टेस्ट 5 और 6 को होगा। हालांकि कब किसको होगा ये अभी फिक्स नहीं है, वो डिपेंड है कि किसका किस दिन अलॉटमेंट होता है। मतलब कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो कुछ कैंडिडेट का 5 नवंबर को हो, कुछ कैंडिडेट का 6 नवंबर को हो, वो डिपेंड करेगा आपके एडमिट कार्ड पे। बट ये अपडेट का एक्सपेक्टेशंस रख लीजिए, 5 और 6 को ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है। चाहे आप LLB के कैंडिडेट हैं, चाहे आप LLM के कैंडिडेट हैं, या फिर आप MED के हैं, ये सारे कोर्सेज में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है वो 5 और 6 नवंबर को होना है। सो गाइस, ऐसा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट।